हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथ्स में जो मैंने अब तक द फर्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, जो मैंने अब तक नाइन्थ तक पेज नंबर नाइन तक मैंने लर्न और हमने पढ़ाई की है, तो आज हम नेक्स्ट रीड और लर्न करेंगे। जमाल एंड कालू द मेजन ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट देयर ग्रैंडफादर यूज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स, सम ऑफ दिस आर शो इन दिस फोटो। तो यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है और उस जमाल और कालू के जो ग्रैंडफादर है वो डिफरेंट यानी कि अलग अलग टाइप की ब्रिक्स बनाते हैं। विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कॉड एज क्वाड, यानी कि जिसके कॉर्नर नहीं होते उसको क्वाड बोलते हैं, जैसे इस तरफ होती है इस तरफ होती है, तो इसको जो राउंड शेप होता है उसको क्वाड कहते हैं जो ईंटों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटोज़ में, तो इसकी है जो यहाँ पे क्वाड है, यहाँ पे भी है और इसको यहाँ पे भी क्वाड है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यानी मैंने ये ए नंबर दिया है और इसको बी नंबर दिया है। तो ए एंड बी ब्रिक्स आर कर्व्ड एज। हाउ मेनी फेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स, तो हम लॉन्गेस्ट ब्रिक ये हैं तो इसमें कितने फेस दिए गए हैं, तो टू फेस, एक ये फेस है और यहाँ पे एक ये फेस है, तो टू फेस सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टू फेसेस सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स। इच देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन सिक्स फेस, तो क्या हम ब्रिक्स के सिक्स से ज़्यादा फेसेस देख सकते हैं, तो क्या नो, क्योंकि ब्रिक्स में कितनी सा फेसेस होती है, सिक्स, हमने कल वो लर्न किया था, मैंने सिखाया था आपको कि ब्रिक की साइज़ कितनी होती है, सिक्स फेसेस होती है। फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज, आपने ब्रिक की डिफरेंट साइज तो आप देखी होगी, ब्रिक्स को आपने तो उसकी साइज़ भी आपने देखी होगी। टेक वन ब्रिक्स एंड मेजर इट, आपको एक ब्रिक्स को लेना है और उसे मेजर करना है। फर्स्ट है हाउ लॉन्ग इज इट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 22 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो वो 22 सेंटीमीटर लेंथ होती है। हाउ वाइड इज इट, तो कितनी चौड़ी होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 11 सेंटीमीटर इन वेट। सी है हाउ हाई इट इज इट, तो वो कितनी ऊंची होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 6 सेंटीमीटर इन हाई। मुनिया वेंट टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, तो हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन लाइन। मुनिया 1 मीटर की लॉन्ग ब्रिक्स वॉल बनाना चाहती है, तो उसको कितनी ब्रिक्स 1 मीटर की बनाने के लिए चाहिए, तो सी मेक 4 मोर देन 4 ब्रिक्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, तो उसको 4 ब्रिक चाहिए 1 मीटर की लॉन्ग वॉल बनाने के लिए। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ क्लीन वेयर ब्रिक्स आर मेड, तो के गणेश और साहिबा है वो ब्रिक्स के बनाते हैं और उसके पास ही रहते हैं। कैन यू गेस हाउ हाई इन द चिमनी हियर इज इट, तो वो कहते हैं
कि आप जो यहाँ पे चिमनी, ये चिमनी है जहाँ पे ईंटों बनती है, तो वो कहते हैं हाउ हाई, वो कितनी ऊंची है चिमनी। तो यहाँ पे हमें गेस करना है। फर्स्ट है अबाउट ऑफ 5 मीटर, क्या ये 5 मीटर की है? नो, ये 5 मीटर की नहीं हो सकती। अबाउट ऑफ 50 मीटर, 15 मीटर, नो, ये 15 मीटर भी नहीं हो सकती। अबाउट 50 मीटर्स, तो अप्रोक्सीमेटली ये 50 मीटर से भी ज़्यादा नहीं होगी, पर अप्रोक्सीमेटली ये 50 मीटर होगी। तो मैंने यहाँ पे सी पर राइट किया है। नेक्स्ट पेज, गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन। ये गणेश और साहिबा हैं जो ब्रिक्स बनाते हैं, और वो लंबी एक लाइन बना देते हैं, लॉन्ग लाइन कैप आउट ऑफ द, और वो सूखने के लिए लाइन बनाते हैं। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। हियर ही आर 4 पिक्चर फ्रॉम द ब्रिक्स क्लीन। तो उसको जो ब्रिक्स की लाइन वो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लीन, क्लीन। दिस पिक्चर आर जमलेट अप द लुक एट देम केयरफुली। तो यहाँ पे हमें 4 पिक्चर दी गई हुई है, तो आपको उसको राइट द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले इट बनाने के लिए क्या चाहिए? तो कि फर्स्ट है उसके लिए हमें सोइल, जो यहाँ पे सोइल एक सोइल इकट्ठा करते हैं, फिर उसको फिर ये आएगा, इसको ईंटों के जो झांसे है उसको में उसमें डालते हैं, ये मिट्टी को झांसे में, ईंटों का झांसा, फिर उसको सूखने के लिए यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से। फिर सूख जाए तो फिर उसको इसको लंबी लाइन से ये बना देते हैं। तो इसमें क्या करेक्ट ऑर्डर आएगा? तो कि सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर ए बी, फिर एन ए। नेक्स्ट पेज, हैव यू सीन अ ब्रिक्स क्लीन। तो आपने ब्रिक्स क्लीन देखा है। डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स कैप ही देयर। तो आपको वो गेस करना है कि कितनी ब्रिक्स की क्लीन होती है। देयर आर मैनी मैनी ब्रिक्स क्लीन इन इंडिया। तो इंडिया में मैनी मैनी यानी कि बहुत सारी ब्रिक्स की क्लीन्स होती हैं। थाउजेंड ऑफ देम यानी कि थाउजेंड ऑफ देम, मोर देन 100,000 यानी कि मोर देन 100,000। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज। तो क्या आपको ये 100,000 को नंबर को आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी होगी वो ब्रिक्स? तो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लैख। 100,000 को क्या कहते हैं? 1 लैख। तो कैन यू ट्राई टू राइट इट। तो 1 लैख को आप किस तरह से लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 लैख। तो यह है वंस, यह है टेंस, फिर है 100, फिर है 1,000, 10,000 एंड 1 लैख। तो 1 लैख को इस तरह से नंबर राइट किया जाता है। आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हाउट ऑफ अ लैक। फाइंड आउट, लुक एट दिस फोटो एंड गेजेस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरियड बाय दिस ट्रक। तो यहाँ पे ट्रक की फोटो गया और आपको गेस करनी है कि कितनी ब्रिक्स ट्रक एक ट्रक में आती है। तो शायद मैं लिखूँगी 1,000, 1,000 ब्रिक्स इन कैरियड बाय दिस ट्रक। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। आपको फाइंड करना है ड्राइवर से कि वो ट्रक में कितनी ब्रिक्स लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे
मेंटल मैथ भजन बाइस ब्रिक्स, तो के भजन ब्रिक्स खरीदा, भजन वेन टू बाई ब्रिक्स, भजन है वो ब्रिक्स खरीदना चाहता है। थे प्राइज वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स, तो यहाँ पे उसकी प्राइस दी गई है 1000 ब्रिक्स की। द प्राइज वेर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो ब्रिक्स है उसकी प्राइस भी डिफरेंट है। तो फर्स्ट है ओल्ड ब्रिक्स, ओल्ड ब्रिक्स है तो उसकी प्राइस क्या है 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स, 1000 की 1000 ब्रिक्स की प्राइस है 1200। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंटापुर, इंटापुर की जो ब्रिक्स है उसकी क्या प्राइस है, तो कि 1000 ब्रिक्स की प्राइस है 1800। फिर है भी ब्रिकाबाद की ब्रिक्स है तो उसकी प्राइस क्या है 1000 ब्रिक्स की प्राइस है 2000। तो यहाँ पे भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, तो वो ब्रिकाबाद की ईंटें खरीदना चाहता है। तो ही ब्रॉट 3000 ब्रिक्स, तो वो 3000 ब्रिक्स खरीदना चाहते हैं। तो हाउ मच डी यू पे, तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो हमारे यहाँ पे है ब्रिकाबाद और इसके 1000 ब्रिक्स की प्राइस है 2000 और उसको कितनी चाहिए, तो कि 3000 ब्रिक्स चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस है 1000 ब्रिक्स की, तो वो कितनी चाहता है कि 3000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000। तो उसके कितने पे करेंगे करना पड़ेगा, तो कि 6000 इंटू सिक्स, तो 2000 इंटू थ्री, यानी कि उसको 6000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स, तो वो 500 ओल्ड ब्रिक्स भी खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे 5 ओल्ड ब्रिक्स है तो उसकी प्राइस क्या है 1000 ब्रिक्स की है 1200 रुपीज़, तो उसको कितनी चाहिए 500, यानी कि हाफ। तो जो यहाँ पे 1000 की कितनी है 1200, तो उसको 5 चाहिए, तो इनकी हाफ क्या होगी, तो कि 6 रुपीज़ पे करना पड़ेगा उसको, 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको ये घर पे रीड भी करना है एंड लर्न भी करना है।